नेक्स्ट अपना टॉपिक है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, RTI, 2005 में आया था। ये बहुत अच्छा एक्ट है। ये एक्ट क्या बताता है कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी के बारे में, जैसे मैं इस लेसन में पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि जैसे टीवी पे डिस्कशंस दिखाते हैं इतनी नेताओं के बारे में, उन्हें बिठा के अलग अलग पार्टी का, होता क्या है जो फेवर में होते हैं क्वेश्चन वो उनका तो जवाब दे देते हैं, और जो अनफेवरेबल होते हैं उन क्वेश्चन को वो गोलमोल कर जाते हैं, मीन्स अवॉइड करते हैं। तो मीडिया ये काम क्यों नहीं करता कि हर जगह का जाके उस नेता ने अपने उस एरिया में कितना काम किया और कितना नहीं किया, अगर ये बताए तो मुझे आगे आने वाली गवर्नमेंट चुनने में किनको चुनूं मैं, मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, मुझे पता चल जाएगा कौन काम करने वाला या कौन काम करने वाला नहीं है। अब ये क्यों मैं डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि ये एक्ट मुझे ये राइट देता है, मीन्स किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहती हूँ तो वो मैं किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से उसके बारे में पूछ सकती हूँ और उसको मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर वो कोई ऐसा एक्ट हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जिससे नेशन को खतरा हो या यूनिटी को खतरा हो, तो वो इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड नहीं करेगी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अगर ऐसी तो कोई नहीं है, मैं किसी के बारे में जानना चाहती हूँ, तो वो मुझे इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को देनी ही होगी। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट मस्ट शेयर द पावर विद द हम्बलेस्ट इफ इट वॉन्ट्स टू एम्पावर द वीकेस्ट। कहते हैं डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को पावर देनी ही पड़ेगी, ठीक है, नीचे से नीचे वाले सेक्शन को भी, अगर वो चाहती है कि पावर मिले वीकेस्ट, सबसे कमजोर को भी। इट इज प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इसी रीजन से राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में पास हुआ, इसलिए यह है। द राइट इज क्लोजली लिंक्ड विद अवर बेसिक राइट्स, हमारी बेसिक राइट से जुड़ा हुआ ये, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू एजुकेशन है। दिस वॉज पास ड्यू टू द डिमांड्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एंड मूवमेंट फॉर अटेनिंग दिस राइट। ये इसलिए पास हुआ क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन और मूवमेंट, मतलब आंदोलन, वो ये राइट मांग रहे थे। अंडर द प्रोविजन ऑफ राइट द इंफॉर्मेशन एक्ट, इस राइट के अंडर कोई भी सिटीजन में रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पब्लिक अथॉरिटी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिप्लाई विद इन 30 डेज। आप पब्लिक अथॉरिटी पे जा सकते हो, गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर्स पे या गवर्नमेंट की किसी भी एक्टिविटी से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हो, जो आपको विद इन 30 डेज दी जाएगी, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। द राइट टू इंफॉर्मेशन हैज़ इनेबल्ड द सिटीजन टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन दैट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, यानी जिसपे पब्लिक अथॉरिटी, गवर्नमेंट का कंट्रोल है, उसको आप भी उस आप जो सिटीजन से आप भी उस इंफॉर्मेशन को जान सकते हो। द राइट हैज़ प्रमोटेड इसे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ऑफ द वर्किंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ट्रांसपेरेंसी मतलब हमें साफ पता चल रहा है वो कैसे कैसे काम कर रही है, जो भी वो काम कर रही है दिख रही है। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है जवाब देना, अगर उसने कुछ गलत किया है या कुछ ऐसा जिससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, उसने वैसा क्यों किया, तो वो उस पर मुझे जवाब देगी। तो ये जो है, इसे RTI से ये चीज़ बड़ी है, ये हमें फैसिलिटी मिली है। मीडिया इज़ अ वॉच डॉग इन अ डेमोक्रेसी दैट कीप द गवर्नमेंट एक्टिव एंड पब्लिक इन्वॉल्व। तो गवर्नमेंट, मीडिया जो है वो डेमोक्रेसी पर नज़र रखता है, जिससे गवर्नमेंट एक्टिव रहती है और लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। लोगों, गवर्नमेंट को पता है हम जो काम करेंगे वो पब्लिक तक पहुँचेंगे थ्रू मीडिया, तो इसलिए वो अलर्ट होकर काम करती है। फ्रॉम द पोजिशन ऑफ बींग अ मीडियम ऑफ इन्फॉर्मेशन इट हैज़ बिकम अ पावरफुल फोर्स इन अवर डेली लाइफ। कहता है फ्रॉम एक इन्फॉर्मेशन का मीडियम ही नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ का एक पावरफुल फोर्स भी बन गया है। द सेलेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ मीडिया कवरेज बाय टेलीविजन चैनल और न्यूज पेपर हैज सेट द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट। कहते हैं क्या दिखाएं और कितनी हद तक वो मीडिया का जो भी चीज़ दिखानी है कितनी हद तक दिखाएं, वो टेलीविजन चैनल और न्यूज़पेपर में वो उसके पीछे उनका काम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, एम होता है, इतनी देर दिखाना है और ये दिखाना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द मीडिया बिफोर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द न्यूज़ और अ व्यूज़। कहते हैं अब ये ज़रूरी है कि हम मीडिया का क्रिटिकल अप्रेजेबल, मतलब ये कि उसको अच्छे से देखें, हमें उसका प्रशंसा करनी है नहीं करनी, क्या करना है वो देखना है कि हम उसे एक्सेप्ट करते हैं रिजेक्ट करते हैं, मतलब पहले ध्यान से उसको एक्सेस करो मीडिया को, क्रिटिकल अप्रेजल, फिर मतलब हमें उसे उसकी प्रशंसा करनी है, उसकी निंदा करनी है, मीन्स हमें एक्सेप्ट करना है न्यूज़ को या रिजेक्ट करना है, वो ध्यान से देखने के समझने के बाद। लेट अस होप दैट मीडिया ब्रिंग्स इंपॉर्टेंट इशू टू द फोरफ्रंट, आगे लाती है इंपॉर्टेंट इशू, हम ये होप करते हैं, दैट आर अदरवाइज इग्नोर्ड, जो दूसरे
नहीं दिखाते, जो इग्नोर हो जाते हैं. तो इट मस्ट कॉन्टिन्यूसली ड्रॉ द अटेंशन ऑफ पब्लिक एंड गवर्नमेंट टू द इशूज. लाइक अब कहते हैं इसको क्या करना चाहिए, कॉन्टिन्यूसली लोगों और गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ भी दिखाना चाहिए जो हम रोज फेस करते हैं, जैसे साफ पानी पीने की कमी, हेल्थ फैसिलिटीज़ की कमी, क्राइम, ठीक है, वॉयलेंस, हिंसा होना, चोरी होना, ये क्राइम, इलिटरेसी, जो लोग अनपढ़ हैं, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, मतलब जो लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार देते हैं. अ डेमोक्रेसी विदाउट अ फ्री मीडिया इज़ लाइक अ कार विदाउट व्हील. डेमोक्रेसी है लेकिन वहाँ का मीडिया फ्री नहीं है, मीन्स वहाँ पे सेंसरशिप है. जो आप चाहो, जो गवर्नमेंट चाहो चाहेगी वो दिखाओगे, जो गवर्नमेंट नहीं चाहेगी वो नहीं दिखाओगे. ऐसे मीडिया का कोई मतलब नहीं है, वो एक कार विदाउट व्हील है. तो ऐसे मीडिया का कोई मतलब नहीं है. मीडिया शुड बी फ्री. अगर मीडिया फ्री है तो उस कंट्री की गवर्नमेंट ऑब्वियसली बात है अच्छी बनेगी और वो कंट्री अच्छे से चलेगी.